युवराज समझ नहीं पा रहा था कि उसके डैड बिना उसकी जानकारी के इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी अपना अगला सवाल करती है। ये सवाल पूछते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वो बहुत हिम्मत करके रोहित से कहती है, क्या युवराज सर भी इसमें इन्वॉल्व है? सुहानी का ये सवाल सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो सोचता है, क्या ये लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है? रोहित जवाब देता है, मुझे नहीं पता युवराज सर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। रोहित के इस जवाब से सुहानी एक चैन की सांस लेती है। उसे खुशी थी कि कम से कम रोहित ने हाँ तो नहीं कहा था। सुहानी आगे कुछ कहने ही वाली थी तभी रोहित के फोन का अलार्म बजता है। अलार्म बंद करके रोहित सुहानी से कहता है, अब मुझे निकलना होगा, आई एम सॉरी, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। रोहित हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। रोहित को जाते देख युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। युवराज फोन पर किसी से कहता है, ब्लैक हुडी ब्लू जीन्स, हाइट 5'8", फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये लड़का अभी एनर्जी पार्क से निकल रहा है, इस पर नजर रखो। फोन से किसी आदमी की आवाज आती है, ओके सर। ये सुनकर युवराज फोन कट कर देता है। रोहित के जाने के बाद सुहानी कुछ देर के लिए पार्क में बैठ जाती है। सुहानी अकेले फाउंटेन के पास बैठे पिछले 2-3 दिनों में हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब का सामना कैसे करे। वो किसी भी तरह से युवराज को उस साय से आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद अब इसमें फंसती चली जा रही थी। युवराज कुछ दूर खड़े होकर सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखे वहां बैठे कुछ सोच रही थी तभी युवराज उसके सामने आ जाता है। किसी के आने की आहट सुनकर सुहानी अपना सर उठाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी से कहता है, आई नीड योर हेल्प। सामने युवराज को देखकर वो चौंक जाती है। युवराज अपने पूरे एटीट्यूड के साथ सुहानी के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सुहानी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। युवराज इस वक्त सुहानी से मदद तो मांग रहा था, लेकिन अभी भी सुहानी को उसके चेहरे पर वही एरोगेंस दिख रहा था। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहानी को अपनी मदद करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। सुहानी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ पाई थी तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपना हाथ छटक कर खुद को युवराज पर चिल्लाते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपकी वजह से ही कल रात मुझे लॉकअप में गुजारनी पड़ी। कॉलेज के सभी लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और आप यहाँ मुझसे ही मदद मांगने आए हैं, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। युवराज खामोशी से सुहानी की बातें सुन रहा था। उसकी बात पूरी हो जाने पर कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, सुहानी चिढ़ते हुए कहती है। युवराज कहता है, तुम भी जानती हो कि उस साय से किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो अब तुम हो और सिर्फ मैं हूँ जो उसे रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता है। सुहानी कहती है, युवराज सर, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और वो मेरी मदद करने के लिए काफी हैं। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसकी जान को भी खतरा होगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने दोस्तों से मदद लेकर उनकी जान खतरे में डालना चाहोगी। सुहानी अब सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। वो अपनी वजह से निशा और विवेक की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुहानी कुछ सोचते हुए 2-3 कदम चलती है और फिर पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। युवराज भी उस कुर्सी के दूसरे किनारे पर बैठ जाता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहता है, मैं अब उसे आजाद होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुहानी उसके चेहरे को एक टक देखने लगती है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज पर भरोसा करे या नहीं। कुछ देर पहले ही रोहित ने उसे यशवंत दीवान की किडनैपिंग लिंक के बारे में बताया था। सुहानी सोच रही थी कि कहीं युवराज भी तो इन सब में शामिल नहीं है। युवराज भी सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी का चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। युवराज कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे उन किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके बारे में तुम्हें रोहित ने बताया है। सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज छिपकर उसकी और रोहित की बातें सुन रहा था। सुहानी फिर से गुस्सा होकर कहती है, तो आप छिपकर मेरी और रोहित की बातें सुन रहे थे? कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? युवराज कहता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। सुहानी युवराज की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि युवराज वाकई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन सुहानी अभी इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी को खामोश बैठे देखकर युवराज को लगता है कि सुहानी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती। युवराज उठता है और वहां से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा पाया था तभी सुहानी उससे कहती है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। युवराज उस स्माइल को छुपाकर पीछे सुहानी की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सुहानी की नज़र अभी भी उस पर ही है, लेकिन अब उसकी आंखों में युवराज के लिए गुस्सा नहीं था। सुहानी अपने मन में कहती है, इस वक्त युवराज सर ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं निशा और विवेक को इसमें शामिल करके उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी भी सुहानी को युवराज पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प लेने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुहानी किसी भी कीमत पर युवराज को उस साय से आज़ाद करना चाहती थी और युवराज सुहानी और उस साय के बीच के कनेक्शन का पता लगाना चाहता था। युवराज सुहानी के पास आकर उससे कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारे सपने और उन मर्डर्स के बारे में सब कुछ। युवराज के कहने पर सुहानी उसे शुरू से सारी बातें बताना शुरू करती है। सारी बातें जानने के बाद भी युवराज को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सुहानी उन मर्डर्स को अपने सपने में कैसे देख सकती है। युवराज और सुहानी को बात करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रात होते होते ठंड भी बढ़ रही थी। सुहानी युवराज से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, 6 बजने से पहले मुझे हॉस्टल पहुंचना है। युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ठंड से कांप रही थी। युवराज कुछ सोचकर सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने कदम पीछे ले लेता है। युवराज सुहानी से कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। युवराज इस बार जोर देकर कहता है, रात होने वाली है और इस वक्त ये शहर सेफ नहीं रहता, इसलिए कह रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। युवराज उसे घूरते हुए सोचता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। लेकिन युवराज अभी सुहानी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सुहानी की बात मान जाता है। वो दोनों चलते हुए पार्क से बाहर आते हैं। सुहानी रोड के दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए ऑटो का इंतजार करने लगती है। युवराज उसके पास ही खड़ा था। वो सुहानी को वहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी सुहानी को वहां एक ऑटो आती हुई दिखाई देती है। उस ऑटो के पास आने पर सुहानी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी उससे पहले युवराज आगे बढ़कर ऑटो को रोक लेता है। ऑटो ड्राइवर की नज़र युवराज पर जाती है और युवराज को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि युवराज दीवान, जिसके एक बार कहने पर वहाँ महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइन लग सकती है,
वो रोड पर खड़े होकर ऑटो क्यों रोक रहा है। युवराज ऑटो ड्राइवर से कहता है, इन्हें सेफली सेंट थॉमस हॉस्टल ड्रॉप कर देना। ऑटो ड्राइवर सुहानी को देखता है जो युवराज से कुछ कदम दूर खड़ी थी। युवराज अपने वॉलेट से पैसे निकालकर ऑटो ड्राइवर की तरफ बढ़ा देता है। ड्राइवर की आंखें अभी भी युवराज के चेहरे को हैरानी से देख रही थी। वो बिना कुछ कहे युवराज से पैसे ले लेता है। सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बात वो जाहिर नहीं करती। सुहानी आगे बढ़कर ऑटो के अंदर बैठने वाली थी, तभी युवराज उससे कहता है, वन सेकेंड। युवराज के कहने पर सुहानी वहीं रुक जाती है और सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। युवराज बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक लेदर जैकेट निकालकर सुहानी को पहना देता है। वो काफी देर से नोटिस कर रहा था कि सुहानी ठंड से कांप रही है। सुहानी युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना उसे जैकेट पहना देता है और कहता है, तुम्हें लेट हो रहा है, अब जाओ। ऑटो ड्राइवर ये सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमेशा से युवराज की प्रेजेंस ही सबको खामोश करने के लिए काफी होती थी। इसके बाद सुहानी ऑटो में बैठकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज भी थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए उस ऑटो के पीछे ही शहर की तरफ चलने लगता है। शाम के 6 बजे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। हॉस्टल जाने के लिए अब वो ऑटो पुरानी रोड से गुजर रही थी। पुरानी रोड से गुजरते हुए सुहानी की नजर उस विशिंग वेल पर जाती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। तभी सुहानी को उस कुएं के पास सफेद कपड़े पहनी हुई वही लड़की दिखाई देती है। सुहानी उसे देखकर डर जाती है। वो अपनी पलकें झपकाकर फिर से वहां देखती है। अब वो लड़की वहां पर नहीं थी। सुहानी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ, शायद इसीलिए मेरी इमेजिनेशन बढ़ गई है। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके दाईं तरफ कोई बैठा है। सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उसे किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने आप से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो तिरछी नजरों से अपनी दाईं तरफ देखती है और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। अगले ही पल सुहानी की चीख निकल जाती है। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास बूढ़ी औरत को मारते देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था। क्या होगा आगे? क्या सुहानी भी उस लड़की का शिकार हो जाएगी, या हर बार की तरह किस्मत सुहानी को बचा लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था, लेकिन सुहानी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। सुहानी डर से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। सुहानी की चीख ऑटो ड्राइवर भी सुनता है। वो साइड मिरर से सुहानी को देखता है। उसे बैक सीट पर सुहानी के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। ड्राइवर बिना कुछ रिएक्ट किए ऑटो की स्पीड और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद सुहानी फिर से आंखें खोलती है। अब वो लड़की वहां नहीं थी। ऑटो में सिर्फ सुहानी और ड्राइवर ही थे। सुहानी बहुत डर गई थी, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो ऑटो ड्राइवर को देखती है जो बिना कुछ कहे ऑटो आगे बढ़ा रहा था। ड्राइवर को देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि उसके इतने जोर से चीखने पर भी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो क्यों नहीं रोका। इतने में सुहानी हॉस्टल पहुंच जाती है और ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक लेता है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी चैन की सांस लेती है। ऑटो से उतरकर सुहानी ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया कुछ देर पहले मेरे इतनी जोर से चीखने पर भी
आपने ऑटो क्यों नहीं रोका? ऑटो ड्राइवर जवाब देता है, मैडम तब हम लोग पुराने रोड पर थे, वहाँ ये सब अक्सर होता रहता है। कई बार लोगों ने वहाँ काफी अजीब सी चीजें देखी हैं। अगर मैं वहाँ ऑटो रोक देता तो इससे हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। सुहानी कहती है, इतना जानते हुए भी आप इस वक्त उस रास्ते से क्यों जाते हैं? ऑटो ड्राइवर कहता है, आमतौर पर मैं शाम के वक्त वहाँ से नहीं गुजरता, लेकिन आज मुझे देर हो गई थी। ऑटो ड्राइवर अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला जाता है। सुहानी को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। ऑटो ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद वहाँ से युवराज की कार गुजरती है। कुछ दूर रुककर युवराज सुहानी को सेफली हॉस्टल के अंदर जाते हुए देख रहा था। अपने रूम आकर सुहानी देखती है कि निशा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही निशा की नज़र सुहानी पर जाती है, वो उस पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू कहाँ थी? मैंने तुझे आराम करने के लिए यहाँ छोड़ा था और तू पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने कुछ खाया? निशा सुहानी से लगातार सवाल करने लगती है। तभी सुहानी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, सवाल ही पूछती जाएगी या जवाब सुनने के लिए रुकेगी भी? निशा ये सुनकर शांत हो जाती है। सुहानी अपने बेड पर बैठकर कहती है, मुझे हॉस्टल में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली गई। और हाँ, मैंने लंच कर लिया था। सुहानी आगे कहती है, मेरी छोड़, तू बता आज कॉलेज में क्या हुआ? निशा कुछ याद करके कहती है, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज पुराने रोड वाले केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम कॉलेज आई थी। नई टीम? लेकिन क्यों? क्या इंस्पेक्टर शर्मा का ट्रांसफर हो गया? सुहानी निशा से कहती है। निशा सुहानी को बताती है, स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है जिसके अकॉर्डिंग इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, जिसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ASP अर्णव सिंह लीड करेंगे। सुहानी कहती है, चलो अच्छा है, आई होप कि नई टीम कुछ बेहतर काम कर पाए और हमें कुछ ऐसा पता चले जो अभी तक सामने नहीं आया है। निशा इस बात का जवाब देते हुए कहती है, यार तुझे तो पता है ना, यह जो भी हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं है, तो कोई भी पुलिस की टीम आए उसे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के राज पुलिस नहीं सुलझा सकती। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मन में कहती है, नई टीम भले ही उस साय के मैटर में कुछ ना कर पाए, लेकिन यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में जरूर कुछ कर सकती है। सुहानी को सोचते देखकर निशा कहती है, क्या हुआ, अब तू किस सोच में पड़ गई? सुहानी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुहानी निशा को रोहित से हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि निशा या विवेक यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो। वो जानती थी कि इससे उनकी लाइफ और उनका फ्यूचर दोनों खतरे में आ जाएगा। सुहानी और निशा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तभी निशा को अचानक कुछ याद आता है। वो अपना सर पकड़कर शिकायत भरे अंदाज में कहती है, यार मैं तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना कैसे भूल गई? निशा की बात सुनकर सुहानी भी क्यूरियस होकर कहती है, कौन सी बात बता? निशा सीरियस होकर कहती है, तुझे पता है तू कल युवराज सर की वजह से अरेस्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ने पुलिस से तेरी कंप्लेन की थी। सुहानी हैरानी से कहती है, किसने? निशा जवाब देती है, पद्मिनी सिंघानिया ने। पद्मिनी का नाम सुनकर सुहानी दंग रह जाती है। वो निशा से कहती है, पद्मिनी सिंघानिया ने मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेन की? उन्हें क्या लगता है कि सना को मैंने मारा है? निशा चिढ़कर कहती है, सुहानी शिमला का हर इंसान जानता है कि पुराने रोड पर होने वाले मर्डर्स के पीछे कौन जिम्मेदार है। उस पद्मिनी को भी ये बात पता होगी। मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। कुछ देर सोचने के बाद निशा आगे कहती है, तेरी उससे कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? सुहानी तुरंत जवाब देती है, नहीं यार, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ, ऐसे में मैं अपने कॉलेज के ट्रस्टी से क्यों दुश्मनी करूँगी? निशा को भी सुहानी की बात सही लगती है। वो आगे कहती है, फिर ये पद्मिनी तेरे पीछे क्यों पड़ी है?
सुहानी के पास निशा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। रात हो गई थी। निशा और सुहानी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। सुहानी अपने बेड पर बैठे किसी सोच में डूबी थी। ये देखकर निशा कहती है, सुहानी तू क्या सोच रही है, सोना नहीं है क्या तुझे? निशा का सवाल सुनकर सुहानी के चेहरे की परेशानी और बढ़ जाती है। निशा सुहानी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, सुहानी क्या बात है? सुहानी परेशान होकर कहती है, निशा मुझे अब सोने से डर लगता है। डर लगता है, लेकिन क्यों? निशा कहती है। सुहानी जवाब देती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज भी मैं सपने में किसी की मौत ना देख लूं, और अगर मैं नींद में फिर से उस विशिंग वेल की तरफ चली गई तो। निशा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, एक काम करती हूँ, आज इस रूम को लॉक कर देती हूँ, अगर तू नींद में चलेगी भी तो इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगी। ये कहकर निशा अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसको लॉक कर देती है। निशा वापस बेड पर बैठकर कहती है, अब ठीक है? सुहानी कंफ्यूज होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद निशा और सुहानी दोनों अपने अपने बेड पर सो जाती हैं। सुहानी पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए आज उसे जल्दी नींद आ जाती है। आधी रात हो गई थी। सुहानी अपने बेड पर गहरी नींद में सोई थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा शांत नहीं था। वो नींद में भी बेचैन लग रही थी। आज रात सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास वही लड़की खड़ी नीचे देख रही थी। उस लड़की के सामने एक और लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। सुहानी जब जमीन पर पड़ी उस लड़की का चेहरा देखती है तो डर से उसकी नींद टूट जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निशा थी। सुहानी फौरन उठकर बैठ जाती है। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो फौरन निशा के बेड की तरफ देखती है। बेड पर निशा नहीं थी। ये देखकर सुहानी के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो घबराते हुए कमरे के चारों तरफ निशा को देखने लगती है, लेकिन वहां निशा नहीं थी। सुहानी उठकर वॉशरूम में चेक करती है, लेकिन निशा वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर अपने रूम के दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला था। ये देखकर सुहानी अपनी जगह पर ही जम जाती है। क्या उस साए ने निशा को भी? ये सोचकर ही सुहानी की रूह कांप उठती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक सुहानी अपने बेड की तरफ बढ़ती है और कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपना मोबाइल मिलता है। सुहानी बिना कुछ सोचे सीधा युवराज को कॉल करती है। इस मुश्किल वक्त में उसे युवराज के अलावा और कोई नहीं सूझ रहा था। युवराज को तो कॉल जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुहानी उसे फिर से कॉल करती है। फिर से युवराज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अपना कॉल आंसर ना होने पर सुहानी मोबाइल पकड़कर हॉस्टल से बाहर चली जाती है। जैसे ही सुहानी हॉस्टल के बाहर निकलती है तो वहां का नजारा देखकर उसे डर लगने लगता है। अमावस्या की रात होने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटे के बीच उल्लू की अजीब और डरावनी आवाज सुहानी को और भी ज्यादा डरा रही थी। सुहानी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तेजी से भागते हुए पुराने रोड की तरफ बढ़ जाती है। पुराने रोड से हॉस्टल के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। सुहानी बड़ी तेजी से पुराने रोड की तरफ भाग रही थी। आधी दूरी तय करने के बाद सुहानी थक जाती है और वहीं रुककर हांफने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। सुहानी जब अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पर युवराज का नाम लिखा था। सुहानी फोन उठाकर हांफते हुए कहती है, हेलो युवराज सर। सुहानी की डरी और हांफती हुई आवाज सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है और फौरन कहता है, सुहानी क्या हुआ, तुमने इतनी रात को कॉल क्यों किए और तुम हांफ क्यों रही हो? सुहानी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, युवराज सर मैंने आज सपने में निशा को विशिंग वेल के पास देखा और अब वो रूम में नहीं है।
ये सुनकर युवराज के चेहरे के भाव और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो कहता है, अभी तुम कहाँ हो? सुहानी जवाब देती है, मैं पुरानी रोड की तरफ जा रही हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी खुद को समझती क्या है। क्या उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, या फिर उसे लगता है कि वो उस साए का सामना कर सकती है। युवराज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कार कीज लेकर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी अभी भी बड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी, लेकिन डर, ठंड और थकान की वजह से उसके पैर कांपने लगे थे। सुहानी हड़बड़ी में हॉस्टल से निकली थी, इसीलिए उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना उसके कदम लगातार विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहे थे। सुहानी के मन में रह रहकर बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या उसने निशा को भी बाकी लोगों की तरह मार दिया होगा? ये ख्याल हर पल सुहानी की जान ले रहा था। इसी बीच वो देखती है कि एक तेज रोशनी पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वो रोशनी कार की हेडलाइट की थी। कुछ ही पलों में एक कार सुहानी के पास आकर रुक जाती है और उस कार से युवराज बाहर निकलता है। सुहानी युवराज को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। युवराज सुहानी के पास आकर एक नज़र उसे अच्छे से देखता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सुहानी बिल्कुल ठीक है, तो वो कहता है, कार में बैठो। वो दोनों बिना समय गवाए कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद युवराज कार स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब युवराज का चेहरा और सीरियस हो जाता है। उसे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। वो फिर से चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसके कई बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से कुछ सोचते हुए अपने चारों तरफ देखता है। युवराज और सुहानी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे, तभी अचानक से युवराज सुहानी को पकड़कर खुद भी नीचे झुक जाता है। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ते हुए युवराज की कार की तरफ आता है और कार की विंडस्क्रीन से टकरा जाता है। उस उल्लू के टकराने से विंडस्क्रीन टूट जाती है। क्या है सुहानी और युवराज पर होने वाले इस हमले की वजह? क्या फिर से युवराज सुहानी को इस मुसीबत से बचा पाएगा? क्या निशा अब भी जिंदा है या बन चुकी है उस साए का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।